एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दूसरे क्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिनभर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एल्बिट सिस्टम की तरफ से आ रही है। उनका एक आर्टिलरी गन है एथोस 2052, उसको भारतीय आर्मी ने सेलेक्ट कर लिया है। एक प्रोसेस हुआ था, टेंडरिंग प्रोसेस, जो कि 15 से 10 साल पुराना प्रोसेस है, जिसमें कि इसका कॉम्पिटिटर था फ्रेंच नेक्स्टर का ट्राजन, जो उनकी आर्टिलरी गन है, और इसको कॉम्पिटिशन दे के अब एथोस 2052L1 आ गया है, यानी कि सबसे कम बिडिंग इसने की है और इसके ही अब आर्टिलरी गन को खरीदा जाएगा, जो कि 155mm 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है। और इस गन का जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में ही किया जाएगा और हो सकता है कि इस प्रकार की गन 400 क्वांटिटी में खरीदी जाए। एल्बिट सिस्टम ने इस गन के लिए भारत फोर्ज के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है भारत में ही इसका निर्माण करने के लिए। $1 बिलियन की पूरी डील हो सकती है और जो फ्रेंच नेक्स्टर है उसने भारत की कंपनी एलएनटी के साथ सहयोग किया हुआ था। 40 किलोमीटर तक मारक क्षमता करने वाली एक आर्टिलरी गन खरीदनी थी भारत को, जिसमें कि इस इजरायली कंपनी को मौका मिलेगा। एल्बिट सिस्टम की जो आर्टिलरी गन है उसका प्राइस उन्होंने इतना कम रखा था, जो हमारे यहाँ धनुष आर्टिलरी गन बन रही है, जिसको अभी अभी इंडियन आर्मी को सौंपा गया है, जो कि 155mm 40 कैलिबर की ही गन है, उससे भी कम प्राइस कहा जा रहा है कि इसका कोट किया गया है और तब जाके इसको सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा इंडियन आर्मी का फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्रोग्राम का, जिसको FARP कहा जाता है, जिसमें कि 3000 से ज्यादा 155mm की गन खरीदनी है 2027 से पहले, जो कि 1999 में अप्रूव हुआ था। और इसमें कहा जा रहा था 169 आर्टिलरी रेजिमेंट बनानी है, हर रेजिमेंट पे लगभग 18 गनों की संख्या होनी चाहिए, जिसका कॉस्ट उस समय आका गया था 8 से 10 बिलियन डॉलर का, जो कि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस प्रकार का आर्टिलरी गन का प्रोग्राम है, जिसमें 1580 टोप्ड आर्टिलरी गन खरीदनी है, जिसमें 400 सेल्फ प्रोपेल्ड होनी चाहिए गन, इसके अलावा 814 माउंटेड और 145 अल्ट्रा लाइट हॉविट्सर गन होनी चाहिए, जो कि 10 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना था, जिसमें कि जो धनुष आर्टिलरी गन है उसका 114 का ऑलरेडी ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके अलावा आप लोग जान रहे होंगे कि हम M777 हॉविट्सर गन भी खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं और उसकी डिलीवरी हो रही है। इसके अलावा एडवांस टोप्ड आर्टिलरी गन भी खरीदी जाएगी, जो कि भारत फोर्ज या टाटा डिफेंस सिस्टम से ही बनी होगी, इन दोनों में से जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उससे खरीदा जाएगा। और आप जानते हैं कि K9 वज्रा टी को भी हम खरीदे हैं और उसको भी इंडक्ट कर लिया गया है। तो पूरी की पूरी 4-5 तरह की गनों का मिश्रण होगा यह पूरा का पूरा प्रोग्राम। अगली खबर में हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की। कुछ दिनों पहले मैंने खबरों में यह बताया था और कई बार यह चीज खबरों में निकल कर आया, उनके विदेश मंत्री, उनके प्रधानमंत्री, सबका यही कहना है कि बीजेपी को वोट मत दें। भारतीय लोगों से उन्होंने अपील की है और कई बार यह भी निकलकर सामने आया है कि पुलवामा अटैक बीजेपी ने करवाया, यह सब चीजें भी पाकिस्तान की तरफ से कही गई ताकि बीजेपी को इस जो इलेक्शन है उसमें वोट कम पड़े। पर इसका उल्टा इफेक्ट जनरली देखने को हमें मिलता है पॉलिटिकल रैलीज में, विपक्ष को पाकिस्तान के साथ बताया जाता है, जिससे कि विपक्ष को इन बयानों से नुकसान होता दिखाई दे रहा था। कई बार हम लोगों ने वीडियो में भी डिस्कस इस बारे में किया हुआ है। तो अब एक नया बयान इमरान खान की तरफ सामने आ गया है, जो कि रॉयटर्स में उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि यदि मोदी सेलेक्ट होते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है और वह पीस टॉक के लिए पाकिस्तान के साथ बात करेंगे आने वाले समय में और उन्हीं के साथ इस प्रकार की बात हो सकती है। अब जैसे ही उन्होंने यह बयान दिया, ट्रोलर्स और विपक्ष दोनों ही करंट गवर्नमेंट पे आरोप लगाने लगे, जैसे कि अभी करंट गवर्नमेंट आरोप लगाती थी पाकिस्तान के बयान पर विपक्ष पर, तो विपक्ष अब पूरा कूद पड़ा है करंट गवर्नमेंट में आरोप लगाने पे और कई लोगों के ट्वीट और कई संदेश सामने आ गए। तो यहां पर मेरा प्रश्न एक ये है कि पहले इस प्रकार के जो बयान पाकिस्तान की तरफ से दिए जाते थे कि बीजेपी को हटाने के लिए, वो क्यों बीजेपी के पक्ष में अब जस्ट चुनाव की वोटिंग से पहले आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान भारत के इलेक्शन को रिग करना चाहता है या प्रभावित करना चाहता है? आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे अपने रुस्तम 2 ड्रोन की। बहुत दिनों से हम लोगों ने यह सोचा हुआ है कि कब यह ड्रोन हमारी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किए जाएंगे, इंडक्ट किए जाएंगे। तो एक इंटरव्यू निकल कर आया सामने, वो हमारे एयर चीफ मार्शल का था। उसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारा यह रुस्तम 2 ड्रोन है, जिसको तपस ड्रोन भी अब कहा जा रहा है, उसको
2020 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा डीआरडीओ के द्वारा, और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाला जाएगा, और उस मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बाद 2 से 3 सालों में इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया जाएगा। यानी कि 2022 से 23 के बीच में हो सकता है बड़े पैमाने पे रुस्तम 2 ड्रोन को हमारे इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किया जाए। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग स्पाइस स्मार्ट ग्लाइडेड बम की, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने बालाकोट में किया, और इसके लिए जो टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल किया गया, वो दोनों ही चीजें अब भारत में बनना स्टार्ट हो गई हैं। आपको पता है कि राफेल जो कि इजराइल की कंपनी है, उसने भारतीय कंपनी कल्याणी के साथ सहयोग किया हुआ है, और इस प्रकार के बम और टारगेटिंग पॉड हैदराबाद में बनाए जा रहे हैं, इस जॉइंट वेंचर के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि इसकी ऑलरेडी डिलीवरी भारतीय एयरफोर्स को की जा चुकी है, 1 महीना पहले की गई है, और आगे आने वाले समय में राफेल इंडस्ट्रीज का यह भी कहना था कि उनके द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो भारत में ही बनाए जाएंगे, 100% जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके वो भारत में ही निर्माण करना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि स्पाइक मिसाइल क्या भारत खरीद रहा है, तो उन पर उनका कोई जवाब निकल कर सामने नहीं आया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे, इस वीडियो से कोई सवाल सुझाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।